नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। बिहार में महागठबंधन की एकता बरकरार रखने को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों पर तालमेल को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। बीती रात शक्ति सिंह गोहिल अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधे राबड़ी आवास पर पहुंचे और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पटना जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार से राजधानी पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो कि 16 जुलाई तक लागू रहेगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य चीजों को पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। बिहार में कोरोना अपना कहर तेजी से बरपा रहा है। कोरोना अस्पताल NMCH और एम्स में इलाज के दौरान पटना के 5 समेत 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि CM आवास में तैनात एक हवलदार की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई है। करघर थाना अंतर्गत बरकी अकोडी गांव में एक पुराना 2 मंजिला मकान के गिर जाने से उसमें दबकर 2 बच्चा सहित 3 की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें बच्चों तथा महिलाएं भी हैं। सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करघर लाया गया है। पटना में अब 2 पेड COVID-19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लग्जरियस सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके बदले प्रतिदिन 1500 रुपए वसूले जाएंगे। खाने का अलग से रुपया लिया जाएगा। इसके लिए बेली रोड स्थित होटल मगध पैलेस, फुलवारी शरीफ में BMP 16 के पास स्थित मगध एजेंसी होटल को चुना गया है। बीती रात मर्ची पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य और कारोबारी राम सेवक सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अपराधियों ने राम सेवक सिंह को 3 गोली मारी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि महामारी जैसी आपदाओं में यदि किसी की रास्ते में ही आकस्मिक मौत हो जाए तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है। मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। राजधानी पटना से रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर आई है। रिश्ते की मर्यादा को ताक पर रखकर एक शख्स ने चाची के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि भतीजे ने भरोसे में लेकर उसके साथ रेप किया है। खबर मुजफ्फरपुर से है। जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ी गति अभी थमी नहीं है। विस्फोटक होती जा रही स्थिति के बीच बुधवार को आई रिपोर्ट में वैशाली की सांसद बीना देवी सहित 42 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सांसद के अलावा 2 वरिष्ठ सहित दर्जन भर से अधिक जूनियर डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। बुधवार को पटना में कुल 79 कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमितों में 22 पटना सिटी के हैं। PMCH से एक लैब टेक्नीशियन सहित 5 संक्रमित मिले हैं। वहीं एम्स में पटना के 5 संक्रमित मिले, जबकि 1 की मौत हो गई। इसके साथ ही पटना के रूपसपुर से 1, फतुहा से 1, जगदेवपथ से 1, जानीपुर में 1 महिला को कोरोना संक्रमित पाया गया है।